इसी कूड़े से वहां पर पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है हमको। अच्छा ये देखिए, ये डीजल निकल आया, इसी ये जो कूड़ा आप देख रहे हैं, जो कूड़ा मैं देख रहा हूँ, इसी से डीजल आप बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार में कितने किलो कूड़ा डाल देते? 500 केजी एक बार में कचरा जाता है, जिसमें से 300 से 350 लीटर डीजल बन के तैयार होता है। यहाँ पे जितने भी तरीके का आप प्लास्टिक देख रहे हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डीजल और पेट्रोल में। बिहार के मुजफ्फरपुर के लाल ने कूड़े से पेट्रोल और डीजल बनाने का कारखाना यहाँ पर लगा दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये जो कूड़ा और कचरा आपको देखने को मिल रहा है, इससे डीजल और पेट्रोल बनाया जा सकता है और यहां पर बन भी रहा है। और बिहार के लाल ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जो कारनामा विदेशों में और देशों में आज तक इससे पहले कभी हुआ ही नहीं और शायद से न होगा, लेकिन आने वाले समय में जो है इसकी चर्चा जोर शोर से होगी, क्योंकि इसी कूड़े से वहां पर पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है। और मैं दिखाऊंगा कि डीजल कैसे बनता है कूड़े से, वो भी। अभी तक आपने जो है सऊदी अरब, ईरान, इराक से पेट्रोल डीजल कच्चा तेल के रूप में आने की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन अब जो है कचड़े से और कूड़े से कैसे तेल मिलता है, वो आज मैं बताने और दिखाने वाला हूं। और अभी ये भैया जो साथ में खड़े हैं, यही कूड़े से और प्लास्टिक से और पॉलिथीन से जो है पेट्रोल और डीजल बनाने की पूरी प्रक्रिया यही बताएंगे। पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं ग्रेविटी जक्स ग्रेविटी एग्रो एनर्जी का एक को फाउंडर हूँ। मेरे टीम में 8 लोग हैं, जिसमें से मैं एक, सुमित कुमार, आशुतोष मंगलम, सुरवि गोस्वामी, शिवानी, अमन, मोहम्मद हसन और हमारे मेंटर कीर्ति भूषण भारती है। अच्छा ये बताइए, ये आइडिया कहां से आया कि पेट्रोल जो है कूड़े से निकल सकता है, डीजल पॉलिथीन और प्लास्टिक की रद्द पड़ी बोतलों से निकल सकता है? कलाम सर की एक बुक आई थी, जब हम लोग एनसीईआरटी का कंपटीशन एक दे रहे थे, तो कलाम सर की एक बुक आई थी कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। उन्होंने ही उनमें जिक्र किया था कि जो प्लास्टिक जो है वो ब्लैक गोल्ड है आने वाले फ्यूचर्स के लिए। कलाम जी ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो महान साइंटिस्ट थे भारत के, उन्होंने ये चीजें कही थी। हाँ, तो उसी पे हम लोग ने फिर आगे रिसर्च चालू किया और हम लोग फिर प्लास्टिक टू डीजल, पेट्रोल और अलग अलग प्रोडक्ट्स पे कंप्लीट किया। मतलब इसी, ये जो कूड़ा आप देख रहे हैं, जो कूड़ा मैं देख रहा हूँ, इसी से डीजल आप बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी तरीके का आप प्लास्टिक देख रहे हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डीजल और पेट्रोल में। मतलब ये कूड़ा ही समझ जाइए पेट्रोल और डीजल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये संभव है कूड़े से? बिल्कुल संभव है, हम आपको अभी दिखाएंगे भी, अपने मशीन में हम लोग कर रहे हैं और ये कमर्शलाइज है। इस प्रोसेस का नाम है थर्मोकैटलिक डीपॉलीमराइजेशन और ये पूरा का पूरा भारत के गजट में भी निकला हुआ है, बायोफ्यूल पॉलिसीज में भी है और इसको हम लोग उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये कहीं से जो है कानून के खिलाफ नहीं है, आप इसे कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉलिसी सारा आए हुए है और मैं सरकार की जो नीतियां है उसी के अंदर रह के ये पूरा का पूरा कार्य कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए, मैं देखूंगा, ये इसी में पूरा प्रोसीजर होता है? बिल्कुल, इसी में पूरा सिस्टम होता है। मतलब आप कूड़े को उठाकर मार्केट से, बाजारों से, नगर निगम से खरीद कर, सबसे कूड़ा खरीद कर लाते हैं, यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और इसके बाद फिर आगे बनने की प्रक्रिया जो है वो चलती है डीजल बनाने। बिल्कुल, हम लोग प्लास्टिक लाते हैं और सबसे पहले अपने रिएक्टर में डालते हैं। ये रिएक्टर है? जी हाँ, जिसमें हमारा प्लास्टिक जाता है और एक तरीके का केमिकल हम इसमें ऐड करते हैं। आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिजिटलाइज मीटर लगा हुआ है, जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल कंट्रोलर लगाए हुए हैं और इसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स किए हुए हैं। यहाँ पे कॉइल लगे हुए हैं, 6 कॉइल, जिसके कारण हमारा रिएक्टर हीट करता है और उसके बाद फिर अलग अलग चैम्बर में जाके उस प्रोसेस से फिर हम लोग डीजल तक पहुँच जाते हैं। कूड़े को इस चैम्बर में डाल देते हैं और कितने डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं? ये हम लोग का एक प्रिटेंडेड प्रोजेक्ट है, हम लोग का 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक हीट जाता है। 350 डिग्री आप गर्म कर देते हैं? जी बिल्कुल, सेल्सियस। हाँ, सेल्सियस में जाता है और उसके बाद फिर 8 घंटे का ये प्रोसेस लगता है, जिसमें हम लोग का डीजल बन के तैयार हो जाता है। एक बार में कितने किलो कूड़ा डाल देते? 500 केजी एक बार में कचरा जाता है, जिसमें से 300 से 350 लीटर डीजल बन के तैयार होता है। मतलब एक बार में 550 किलो कूड़ा डालते हैं, उसे 8 घंटा हीट करते हैं 350 डिग्री टेम्परेचर पर और इसके बाद उसमें से 3.5 किलो जो है डीजल निकलता है। जी बिल्कुल, 350 लीटर 500 केजी कचरे में 350 लीटर डीजल हमारा निकलता है। अच्छा, तो पेट्रोल भी निकल सकता है? बिल्कुल, पेट्रोल भी निकलता है। अभी जो पेट्रोल, जो हम लोग को पेसो का लाइसेंस और थोड़ी और डॉक्यूमेंट्स करनी पड़ेगी, जिससे हम लोग पेट्रोल निकालेंगे।
अभी हम लोग पूरी की पूरी डीजल पे ऑपरेटेड कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो ए ग्रेड का ऑयल होता है, इसीलिए उसके लाइसेंस के लिए आपको एक साल की कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है, तमाम प्रोसीजर होता है, इसीलिए उसको फॉलो अप करना, वो भी अप्लाई में है, कुछ दिनों में वो भी हो जाएगा, अभी लेकिन हम लोग डीजल ऑपरेटेड सारा चीज कर रहे हैं। यानी जिस कूड़े को आप कूड़ा समझते हैं, जो इस कुरकुरा बिस्कुट टॉफी और नमकीन की पैकेट को आप प्लास्टिक समझकर फेंक देते हैं, उसी कूड़े से जो है बिहार के लाल अब पेट्रोल और डीजल निकाल रहे हैं। यानी 500 किलो अगर प्लास्टिक इस मशीन में डाली जाएगी तो जो है उसमें से 350 लीटर जो है पेट्रोल या डीजल आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको बेचते कैसे हैं आप? हम लोग जितने भी ट्रैक्टर्स होते हैं या हेवी व्हीकल ऑपरेटेड व्हीकल्स है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रॉलीज हो गए, जेनसेट हो गए, उन सारे में हम लोग का यह जो डीजल होता है वो जाता है। अच्छा, मतलब इसे रिफाइन विफाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक कच्चा तेल आता है फिर यहाँ रिफाइन किया जाता है, वो सब करने सारा चीज हमारे इस मशीन में ही इंटरगली पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है। इंटरनल साला फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसके कारण वो पूरा का पूरा हमें डीजल बना के दे दिया जाता है, जिससे वो डायरेक्ट व्हीकल में ऑपरेट हो जाता है। अच्छा, जो पेट्रोल टंकी या डीजल टंकी पर हम जो है डीजल खरीदते हैं जिस रेट में, उसी रेट में आपका सेल हम लोग 82 रुपीज में अभी सेल आउट कर रहे हैं, 82 रुपए चल रहा है डीजल का प्राइस, हम लोग जो बेचते हैं नॉर्मली अभी उससे ज्यादा है, लेकिन हम लोग उसको 82 रुपीज में सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तीन टैंक और हैं, इन तीनों टैंकों की हमें खासियत बताइए, मतलब वहां से हीट होकर और यहां पर एक मीटर लगा, इसके बारे में भी हमको बताइए। ये गैस इसमें से जब रिएक्टर से गैस में चेंज करता है, प्लास्टिक को गैस में चेंज करता है, तो हमारा ये पहला चैम्बर है जिसमें अलग अलग फिल्टर्स लगाए गए हैं जिससे वो फिल्टर करते हैं उस गैसेस को। उसमें सेफ्टी गॉज और सेफ्टी वॉल्व भी लगाए गए हैं कि अगर किसी इन द केस की अगर कोई सेफ्टी प्रिकॉशन होता है तो वहाँ सेफ्टी वॉल्व सेफ्टी पर्सन प्रिकॉशन के लिए लग गए हैं, उसके बाद कि फटे वगैरह कुछ किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, अगर इंटरनली में कोई दिक्कत होती है तो। उसके बाद अलग अलग चैम्बर्स है जिसमें से वो फाइनल प्रोसेस होके फिल्टर होके पाइपिंग से कंडेंस होके वहाँ से प्रोडक्ट निकल जाता है। फाइनल तेल डीजल कहाँ से निकलता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आइए मैं क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कूड़े से कैसे डीजल बन जाता है, कचरा और प्लास्टिक और पॉलिथीन से कैसे पेट्रोल बन जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो ये अचंभा है, क्योंकि मैंने आज तक तो सुना ही नहीं और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो जरूर मुझे आश्चर्य होगा, जरा दिखाएं हमको। अच्छा, ये देखिए, ये डीजल निकल आया और ये डीजल कहीं से ईरान इराक से नहीं आया है, बल्कि ये कूड़ा कचरा और पन्नी से पॉलिथीन और प्लास्टिक से निकाला गया है। बिल्कुल, आप इसको स्मेल कर सकते हैं और वाह, ये तो पूरा डीजल लग रहा है। वाह वाह, स्मेल करके आप इसको कर सकते हैं, इसका डेंसिटी भी जो है वो पूरा का पूरा डीजल के ही इक्विवेलेंट में आती है। थोड़ा सा और निकाल दीजिए हमारे लिए, हम फिर से देखेंगे, कहीं छुपा के तो नहीं रखे थे। देखिए, गर्म भी है और ये डीजल है, और ये बिहार के लाल ने डीजल जो है कहीं ईरान इराक से नहीं खरीदा, बल्कि कूड़ा के ढेर से, पॉलिथीन और कचरा के ढेर से इस डीजल को निकाला है, और जैसे आप डीजल को ऐसे स्लाइड करेंगे तो एकदम आसानी से गिर जाता है, वैसे ही ये गिर गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई केमिकल वगैरह डालते हैं, बस कूड़ा पका या बन नहीं गया? नहीं, इसमें कैटलिस्ट का डालते हैं, उसके बाद फिर उसमें प्रोसेस होके हमारा फिर आगे जाता है। अभी हाथ पे देखिए किस तरीके से चमक रहा होगा, क्योंकि पानी इस तरीके से नहीं चमकता है, सरसों का तेल भी इस तरीके से नहीं चमकता है, ये डीजल है। डीजल, और डीजल कहां से आया है? कुरकुरा बिस्कुट नमकीन चाउमीन और इसके बाद तमाम प्रकार की पॉलिथीन से, जिसको आप कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। अच्छा, कूड़ा आप खरीद कर लाते हैं, बीनते हैं रोड पर? अभी तो हम लोग खरीद रहे हैं इसको, और इसमें नगर निगम से भी हमारा प्लास्टिक आता है और हम लोग बाहर से भी प्लास्टिक सोर्स करते हैं। यानी जो नगर निगम कूड़ा शहर से उठाता है और कूड़े को जाकर फेंक देता है, उसे अगर बढ़िया यूज किया जाए तो रिसाइकिल करके जो है बहुत सारा डीजल और पेट्रोल बनाया जा सकता है, वेस्ट टू ऑयल हम लोग बना रहे हैं, और इसको और बड़ा किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, इसको बड़ा किया जा सकता है। स्टार्टिंग में जो हमारा था वो 50 केजी का ही था, आज 50 केजी से हम लोग 500 केजी पे आ गए हैं, और आगे चल के इसको और भी एक्सटेंड करेंगे, समय के साथ साथ ये बढ़ते जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर बौद्धिक विकास है, आपकी सोचने की क्षमता है और आप कुछ अलग करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, तो कूड़े से भी जो है कहीं ना कहीं कूड़े से भी कुछ कमाया जा सकता है, कुछ नहीं करोड़ों और लाखों रुपए कमाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग सोचेंगे कि अगर आज क्या था, पहले हम लोग का कचरा था, इससे कुछ सोच पहले कचरा था अब लेकिन ही लेकिन आज मेरे लिए यही गोल्ड है और यही डायमंड है। जब कलाम सर ने बोला था कि ये एक ब्लैक गोल्ड है आने वाले समय के लिए, तो आज मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि उनकी कई बातों को मैंने थोड़ा सा पूरा करके इसमें से पेट्रोल और डीजल निकाला। यानी बाप दादा ने जो लिख दिया है और जो कह दिया है वो गलत नहीं कहा, वो सत्य ही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और कलाम जी तो वैसे बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं के कितना पढ़े हैं आप? अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, बीएससी बॉटनी में कर रहा हूँ। और मेरे सारे टीम मेंबर्स सेकंड ईयर में हैं। हाँ, मेरी सारी टीम जो है वो ग्रेजुएशन में ही है। और जो मैक्सिमम एज है हम लोग के वो 22 साल से ऊपर नहीं है। 22 साल के युवाओं ने जो है ऐसा अद्भुत आविष्कार कर दिया जिसका लोहा मानने के लिए चाइना, नेपाल, भूटान, इसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और जापान जैसे बड़े बड़े देश जिसका लोहा मान रहे हैं। और यह कारनामा किसी विदेशी इंजीनियर वैज्ञानिक ने नहीं किया बल्कि बिहार के लाल, मुजफ्फरपुर के लाल ने किया। और इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसा आविष्कार किया जो कूड़े के ढेर से जो है पेट्रोल और डीजल उत्पन्न कर रहा है। और इन्होंने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब थी जिसको पढ़कर इन्होंने वहां से प्रेरणा लिया और उस किताब में लिखा था कि आने वाले समय में प्लास्टिक जो है देश के लिए ब्लैक डायमंड यानी ब्लैक गोल्ड साबित हो सकती है। और उसी किताब को पढ़कर इन्होंने कूड़े और कचरे का ढेर को इकट्ठा किया और उसमें से आज पेट्रोल निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामना। आप देश की तरक्की में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप फिर से देख लीजिए कैमरे पे, अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में अभी भी डीजल है, ये लगा हुआ है, ये अभी उड़ा नहीं है और इसकी सुगंध मैं जो है महसूस कर सकता हूँ। और शायद से अगर आप यहाँ पर होते तो आप इसको भली भांति देख सकते। और ये कूड़े से अभी पेट्रोल यहाँ पर और डीजल बनाने का पूरा प्रोसेस हमने बताया। ये छोटी सी फैक्ट्री लगाई गई है जहाँ पर ये कूड़ा कचरा बटोर कर लाया जाता है, खरीद कर लाया जाता है और यहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल उसका बना दिया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।